एक बार की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ रहा करता था। दिन भर इधर उधर से चुरा कर खाना और बड़ी बड़ी गप्पे हाँकना उसे अच्छा लगता था। चोरी करने में और झूठ बोलने में उसका कोई सानी न था। पूरे जंगल में ऐसा एक भी जीव नहीं बचा था जिसे उस लोमड़ ने ठगा ना हो। रोज की तरह वो लोमड़ खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ा। रोज रोज जंगल का खाना खाकर ऊब चुका हूँ, कुछ स्वाद में बदलाव चाहिए, क्यों न कुछ मीठा हो जाए। आज गन्ना खाने की इच्छा हो रही है। वो लोमड़ गन्ना खाने के लिए जंगल से एक खेत की ओर चल पड़ा। हरे भरे लहराते गन्ने के खेत देखकर वो लोमड़ बहुत खुश हुआ। कितने ताजे और रसीले गन्ने लग रहे हैं, आज तो पेट भर गन्ना खाऊंगा। लगता है आसपास कोई भी नहीं है, चलो इस खेत में घुस जाता हूँ। फिर वो लोमड़ उस गन्ने के खेत में घुसकर मजे से गन्ना खाने लगा। खेत में हलचल देखकर दूर बैठे किसान ने दूसरे किसान को जोर से आवाज देकर कहा, अरे भाई वो देखो, तुम्हारे खेत में लगता है कोई घुस गया है। अरे लगता है वही लोमड़ घुस गया होगा, पिछली बार वो बहुत सारा गन्ना खाकर भाग गया था, आज मेरे हाथों से नहीं बच सकता। उस लोमड़ को ऐसा मजा चखाता हूँ कि फिर किसी के गन्ने के खेत में घुसने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। वो किसान एक बड़ी सी लाठी लेकर गुस्से से गन्ने के खेत की ओर भागा। वो किसान उस गन्ने के खेत के अंदर घुस गया। उसने देखा कि एक लोमड़ गन्ना खा रहा था। किसान को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। लोमड़ के बच्चे, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तक तुम मेरे हाथों से बचता रहा, लेकिन अब नहीं बचेगा तू। देखूंगा भी नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे उल्लू बनाता है, ये पट्टी किसी और को पढ़ाना, आज मैं तुझे सबक तो सिखा कर ही रहूंगा। वो लोमड़ जैसे तैसे जान बचाकर उस किसान से दूर भागता है। कहो, लगता है मार खा कर तेरा पेट नहीं भरा। वही ठहर, तुझे और मार देता हूँ। अरे बाप रे, भागो। उस रंगरेस के हौद में नीले रंग का पानी था। अपने आप को नीले रंग में रंगा देख वो लोमड़ परेशान हो गया। ये क्या हो गया? एक मुसीबत से पीछा छूटा नहीं और एक नई मुसीबत। मेरा ये नीला रूप देखकर जंगल के सारे जीव मुझे भूत समझकर मार डालेंगे। अब मैं क्या करूं? वो लोमड़ गहन सोच में पड़ गया था। तभी उसे एक कल्पना सूझी। अब मैं मेरे इस रूप से सारे जानवरों को उल्लू बनाऊंगा और उन पर रौब झाड़ूंगा। वो लोमड़ उस रंगरेस के हाउस से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ा। एक नीले रंग का अजीब तरह का प्राणी आते देख जंगल के बाकी सारे प्राणी डर गए। अरे वो देखो, वो क्या है? ये कौन सा प्राणी है? अरे हाँ, ऐसे नीले रंग के प्राणी को हमने कभी नहीं देखा है। जैसे जैसे वो लोमड़ पास आ रहा था, वैसे वैसे जंगल के बाकी सारे जानवर उसे देखकर कांपने लगे। एक प्राणी ने हिम्मत जुटाकर लोमड़ से कहा, हे नील प्राणी, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? आज से मैं इस जंगल का नया राजा हूँ। लेकिन आप कहां से आए हैं और आपका रंग नीला कैसे? आपके जैसा नीला प्राणी हमने इससे पहले कभी नहीं देखा।
मैं ईश्वर का विशेष दूत हूँ और नीले आकाश से आया हूँ, इसीलिए मेरा रंग नीला है। आप ईश्वर के विशेष दूत हैं, हम धन्य हुए। ईश्वर का हमारे लिए क्या संदेश है? ईश्वर ने मुझे ये संदेश दिया है कि अगर आप सब मुझे अपना नया राजा मानकर मेरी सेवा करोगे तो आप सबका कल्याण होगा। मैं आने वाले सारे संकटों से आप सबकी रक्षा करूंगा। अपने नाम की जय जयकार सुनकर वो लोमड़ बहुत खुश हुआ। सारे प्राणियों ने उस लोमड़ को राजा के सिंहासन पर बड़े ही सम्मान के साथ बिठाया। जंगल में चारों तरफ खुशी का वातावरण था। अलग अलग तरह के प्राणी ढोल ताशे बजाते हुए नए राजा की प्रशंसा के गीत गा रहे थे। तभी कोयल, महाराज आपकी अनुमति हो तो मैं आपकी प्रशंसा में मेरे मधुर आवाज में एक गीत सुनाना चाहती हूँ। अवश्य सुनाओ, आज्ञा है। नीला तारा नील गगन से देखो ये आया, ये दूत है सबसे न्यारा, मन को है भाया। सारे प्राणी उस लोमड़ की सेवा में लग गए। कोई उसके हाथ पैर दबाता, कोई प्रशंसा के गीत गाता, तो कोई अलग अलग तरह के फल मूल आदि लाकर देता। वो लोमड़ अपने असली रूप को भुलाकर स्वयं को सचमुच का जंगल का राजा समझने लगा था। जंगल के राजा को देखने कोने कोने से प्राणी आने लगे। एक लोमड़ियों का झुंड भी वहां आ पहुंचा। ये देखकर वो लोमड़ बहुत ही खुश हुआ। फिर उन लोमड़ियों के झुंड ने नए राजा का अभिवादन करने के लिए एक साथ आवाज लगाना शुरू किया। ये देख आदतवश वो लोमड़ भी लोमड़ियों के सुर में सुर मिलाकर चिल्लाने लगा। उस लोमड़ की आवाज सुनकर सारे प्राणी दंग रह गए। लोमड़ को ये एहसास हुआ कि उसकी पोल अब खुल चुकी है। अरे ये क्या, ये तो लोमड़ की आवाज है। हाँ दोस्तों, ये तो वही लोमड़ है जो रोज हम सबको ठगता है। आज तो इसने हद ही कर दी। अरे इसे इतना मारो कि ये जिंदगी भर के लिए याद रखेगा। मुझे माफ कर दो, मैंने तो बस थोड़ा सा मजाक किया था। मैं वचन देता हूँ कि फिर कभी बड़ी बड़ी गप्पे नहीं हाँकूंगा और किसी को भी उल्लू नहीं बनाऊंगा।